रीवा मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित नर्सेस छात्रावास में आज दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आगजनी की इस घटना के दौरान छात्राओं के कपड़े सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। वहीं आगजनी की सूचना पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस आगजनी के दौरान कॉलेज प्रबंधन भी मौके पर पहुंचा। इस दौरान छात्राओं ने नए छात्रावास की मांग की, जिस पर एक महीने का उन्हें समय दिया गया है। बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सेस छात्रावास करीब 60 साल पुराना बना हुआ है, जहां छात्राएं रहती हैं। इस छात्रावास की हालत इतनी जर्जर है कि यहां एक कमरे में 14 से 17 छात्राएं रह रही हैं। इसी एक कमरे में आज शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें छात्राओं के कपड़े सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इस बात से आक्रोशित छात्राओं ने मौके पर पहुंचे डीन से व्यवस्थाओं को लेकर बात की, जिस पर डीन ने छात्राओं को आश्वासन देते हुए कहा कि 100 सीटर का नया हॉस्टल बनकर तैयार है, जिसे साफ सफाई कराकर एक माह के अंदर उन्हें हॉस्टल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पुराने छात्रावास में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और बारिश के दिनों में यहाँ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले 4 वर्षों से लगातार अपनी समस्याओं को लेकर प्रबंधन को बताया जा रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा वहां से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। छात्राओं ने एक बार फिर कहा कि डीन द्वारा एक माह में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है, अगर इस बार व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती तो वो उग्र आंदोलन करेंगी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है आपका, कौन सी विद्यालय? मेरा नाम सिद्धि पाल है, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ से हम लोग 17 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही वॉशरूम है कॉमन, गर्म पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है, फिर हम कैसे नहाएं धोएं? और वॉशरूम भी एक ही है कॉमन, हमने कितनी बार कंप्लेन करी है। अगर बोला गया है कि नर्सिंग हॉस्टल बना हुआ है, नर्सिंग हॉस्टल मिला है, लेकिन हम लोगों को तो मिला नहीं है, फिर किसे मिला गया है? अभी डीन साहब आए थे, उनसे क्या चर्चा की? डीन सर ने बोला है कि एक महीने का टाइम है, फिर से एक महीने बाद देखते हैं अब होता है या नहीं, हमेशा यही बोलते हैं। ऐसा आश्वासन कब से दिया जा रहा है? ऐसा ये 4 साल से दिया जा रहा है कि 1.5 महीने बाद मिलेगा। बरसात क्या समस्या है यहाँ? ये छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं और एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो एक लड़की का पूरा सामान जल गया है। तत्काल कंट्रोल पा लिया गया है आग पे, और आगे की समस्या है कि अब इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो डीन साहब ने ये कहा है कि एक महीने के अंदर 100 सीटर हॉस्टल है, उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा के और इन लोगों को दिया जाएगा। अगर 1-1.5 महीने के अंदर में नहीं देते हैं तो फिर इसके लिए मैं आगे कुछ ना कुछ इन लोगों को ले जाकर प्रयास करूँगी, और जहाँ तक संभावना है ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी जर्जर भी हालत में है और पानी, हाँ, ये हॉस्टल बहुत पुराने हैं, करीब 60 साल पुराने हैं, सब एक्सपायरी हो गए हैं, और ये भी लिस्टेड हैं। शायद भविष्य में इनको गिरा के यहाँ पे नया कुछ ऐसा हॉस्टल बनाने का व्यवस्था चल रहा है। अभी कितनी छात्राएं यहाँ रहती हैं? जहाँ पे आग लगी है उस रूम में 14 स्टूडेंट रहते हैं एक कमरे में, और हॉल की साइज है 20x20, और बगल में एक 10x12 का एक स्टोर है और वॉशरूम है, सामने छोटी सी बालकनी है। छात्राओं द्वारा हॉस्टल में कुछ क्या विवाद की स्थिति थी, क्या कुछ चीज़ें? नहीं, विवाद कुछ नहीं है, छात्राएं यहाँ रह रही थी, उस हॉस्टल उस रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई थी। ये हुआ था क्योंकि बच्चे वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पे, सब अपनी ड्यूटीज़ में थे। जब वो पहुँचे उनने देखा कि आग लग गई है, तो हमारे जो अग्निशमक हैं उनने जाके उसको आग को बुझाया, और उसमें कोई ऐसी किसी को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि बच्चे थे भी नहीं वहाँ पर। पुराना हॉस्टल पहले भी आपको अवगत करा चुकी हैं कि यहाँ पे हम लोग नहीं रहना चाहते, ऐसी कुछ बात सामने आई थी? अब जो हैं वो तो सभी यही व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल पुराने हैं ये तो हम भी जानते हैं, ये तो GMH भी पुराना है हमारा, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं, उनका रिपेयर जो ज़रूरत रहती है समय पर करा दिया जाता है।